नमस्कार, मैं हूं लवली सिंह। आप देख रहे हैं एन भारत समाचार। आइए नजर डालते हैं अलीगढ़ की कुछ खास खबरों पर। बहरमपुर के वर्तमान प्रधान ने अपने गांव के ही कुछ लोगों पर ये आरोप लगाया है कि यहां पंडित और ठाकुरों ने मुझे आए दिन जाति सूचक शब्द बोलते हैं और किसी न किसी बात को लेकर मुझे प्रताड़ित करते हैं। बीते दिन कल की ही बात है कि मुझे गौशाला से एक गाय के मरने की सूचना मिली, तो मैं तत्काल में गौशाला जा रहा था। तभी रास्ते में ठाकुर और पंडितों ने जाति सूचक शब्द बोलकर मेरे साथ मारपीट कर दी, जिसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दे दी गई। लेकिन कोई भी कार्रवाई ना होने की वजह से आज एसएसपी ऑफिस न्याय के लिए, लेकिन एसएसपी अलीगढ़ से मुलाकात नहीं हो पाई। प्रधान ने बताया कि अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम उच्च अधिकारियों से इस मामले की शिकायत करेंगे। इधर आइए। मेरा नाम नरेंद्र सिंह है, ग्राम पंचायत बहरामपुर से हूँ। मैं वाल्मीकि समाज से आता हूँ, अनुसूचित जाति से। मेरी समस्या ये है कि मैं अभी प्रधान वर्तमान जीता हूँ और कुछ पक्ष ऐसे हैं जो मेरी प्रधानी से बड़े परेशान हैं। मेरे ऊपर आए दिन तंज कसते हैं और मेरी जाति को लेकर गंदी गंदी अभद्रता का प्रयोग करते हैं, गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, भंगिया भंगिया कह के, दो पैसे का भंगिया कह के, तू प्रधानमंत्री नहीं बन गया है, कोई प्रधान बन गया है ये कह के मुझे कहते हैं। कल मैं जा रहा था गौशाला पे, गौशाला की मरने की खबर थी एक गाय की, तो मैं वहाँ जा रहा था। उस पीरियड में एक लड़का वहाँ से आया, उससे बाइक तेज स्पीड में बाइक पे था, तो मैंने समझाया था, उसी पे कहा सुनी होगी उसके विपक्ष में। उसी के घर के पंडित जी हैं, वो प्रकाश पंडित जी के नाती पोते हैं, बेटे हैं बिट्टू वगैरह, और एक ठाकुर नागेंद्र है और एक और है ठाकुर अंकुर करके। इन लोगों ने मुझे वहाँ पे घेर लिया थोड़ा आगे चल के, और घेरने के बाद में एक बंदे ने डंडा लेके आया, एक ने तमंचा भी मेरे ऊपर तान दिया। उसके बाद में गांव के काफ़ी सारे लोग पहुँच गए, मेरे घर वाले भी पहुँच रहे, उन्होंने कैसे भी करके समझा बुझा के विपक्ष में फैसला करा दिया। उसके बाद में हम चौकी गए, चौकी में जाने के बाद में वहाँ पर उन्होंने अपना ही बवाल लगा, उनका वो बाहुबली हैं, उन्होंने अपना काम जैसे भी किया, मेरे से वो धमा धपका के अपना काम कर लिया वहाँ पर। उसके बाद में हम रात को थाने गए, थाने में हमारी कोई सुनवाई नहीं, कोई एप्लीकेशन नहीं लिखी। मैंने एप्लीकेशन लिख के दे आया था तहरीर का, सुबह भी तहरीर दे के आ गया। इसी के उसमें हम लोग आए हैं यहाँ पर इसी मुद्दे को लेके कि भैया हमारी सुनी जाए। हम एसएसपी साहब के पास आए हुए हैं कि हमारी सुनी जाए, इस पर हमारी मुलाकात हुई एसएसपी साहब से? अभी मुलाकात नहीं हो पाई है।